नमस्ते आप सभी का। और मैं श्वेता बुकनर्ड से, और आज हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं लाला आशुतोष कुमार शरण जी, जो अवकाश प्राप्त प्राचार्य और रसायन शास्त्र के विभाग अध्यक्ष रह चुके हैं VKSU यूनिवर्सिटी आरा में। और इनकी साहित्य में रुचि बचपन से ही रही है, और इन्होंने दो काव्य संग्रह वाटिका और गुलदस्ता लिखे हैं, एक कहानी संग्रह यक्ष प्रश्न एवं अन्य कहानियां लिखी हैं। और आज हम इनके साथ बात करेंगे इनके लघु उपन्यास खुद्दी से गुदड़ी तक के विषय पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हाँ, आपका इस मंच पर आने के लिए। धन्यवाद। सर, मैं इस बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगी ये जानने की मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आपकी रुचि कैसे हुई, साहित्य के प्रति आपकी रुचि कैसे उत्पन्न हुई, क्योंकि आप रसायन शास्त्र के प्राचार्य रह चुके हैं और साहित्य दोनों क्षेत्र बिल्कुल अलग हैं, तो इस विषय हाँ, पर। ये तो है, लेकिन बचपन में मेरी नींव पड़ी और मैं बहुत छोटा था उस वक्त, 8वां क्लास में पढ़ता था। जी और सर, एक प्रहसन हमने देखा, एक नाटक, पहले जब नाटक हुआ करते थे हमारे जमाने में, ये 50s की बात है, जी तो सर, उसमें लंबे नाटक होते थे, 4 घंटा 5 घंटा चलता था, रात भर का सेशन होता था। तो बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट देने के लिए आर्टिस्ट को कुछ प्रहसन दिए जाते थे, उसमें उसके लिए अलग टीम रहती थी। तो उसमें हमने एक प्रहसन देखा इनका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, अंधेर नगरी। और मेरे बालक मन में ये उत्कंठा जागी कि मैं भी लिख सकता हूँ। और सोमवारी मेला लगता है हमारे यहाँ, तो अब कोई सब्जेक्ट तो नहीं था, अभी उतना ज्ञान भी नहीं था, लड़का था मैं। सोमवारी मेला में घूम रहा था और उस मेले में एक मिठाई होती है हम लोग के तरफ आरा में, बुढ़िया का बाल हम लोग बोलते हैं, अच्छा जी, थोड़ा पफी होता है। तो हाँ एक हाँ छोटा बच्चा ने हाथ दबा के उसमें से कुछ नोच लिया और उसके बाद वहां एक तमाशा खड़ा हो गया। और उसमें हमको प्रहसन लिखने का एक समझिए प्लॉट मिला, मैंने लिखा और हमारे बालकों की टोली ने उसको मोहल्ले में स्टेज किया और उसमें हमको प्रोत्साहन दिया हमारे पिता ने। हमारे मोहल्ले के एक अच्छे नाटककार थे, रत्न प्रसाद, इन लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोग के लिए पर्दा और ये सब का प्रबंध उन लोगों ने किया। वहां से हमको लिखने की शुरुआत हुई। और जब मैट्रिक पास कर गया तो आईएएस जी में था, तो मैंने एक नाटक लिखा जो वहां पर आरा में मंचित हुआ और उसकी प्रशंसा हुई। इस तरह से मेरा सफर शुरू हुआ। और वही ऑन डिमांड में हर साल दशहरे की छुट्टियों में नाटक वहां होता था आरा में, तो उन्हीं के लिए हर साल लिखता गया लिखता गया। तो लिखने की जो शैली है वो सुदृढ़ होती गई, सोचने की शक्ति बढ़ती गई, तो और प्रखरता आती गई। और जी सर, जैसे आपकी रुचि नाटकों के प्रति बहुत ज्यादा रही, मतलब आपकी शुरुआत साहित्य की नाटकों से हुई, तो नाटकों फिर से आपने, शुरुआत हाँ, हुई। तो फिर आपने दो काव्य संग्रह, एक कहानी संग्रह, एक लघु उपन्यास लिखा, तो फिर आपने कभी नहीं सोचा कि आपको नाटक भी लिखना चाहिए और उसे किताबों की शक्ल देनी चाहिए? नाटक मैंने लिखे लेकिन दुर्भाग्य से दीमक सब खा गया। अब लिखूंगा उसको, लेकिन अभी रिटायरमेंट के बाद और खास करके जब पत्नी की मेरी मृत्यु हो गई तो मैं जी बिल्कुल खाली था। और ये खालीपन में ही कविता का जन्म हुआ। और बिल्कुल, तब मैंने कविता लिखना शुरू किया और फेसबुक वगैरह पर कभी कभी देता था, तो
मेरे मित्रों ने प्रोत्साहित किया कि भाई आप इतने लिखते हो, इस किताब को छपवाओ। जी और तब जाकर वो एक किताब गुलदस्ता छपी। फिर उसके बाद वो लोकल प्रकाशन था आरा का। फिर ब्लू रोज दिल्ली से एक किताब छपी हमारी उपवन। जी तो उस उपन में हमने एक लाइन बताया है हमने इस बारे में कि मैं क्यों लिखता रहता हूं, क्योंकि अकेलापन जो है ये बहुत बड़ा दुश्मन है आदमी का। जी सर, मैं आपकी ये किताब की बात कर रही हूँ, खुद ही से गुदड़ी तक, जो ये किताब आपने लिखी है, लघु उपन्यास। तो सर मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आपने इसमें जिक्र भी किया है कि जो आजकल के युवा हैं वो लंबी फिल्मों और लंबे उपन्यासों से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, या फिर उनके अंदर इतने इतना धैर्य नहीं है कि वो उतनी लंबी उतना उतना उनके अंदर धैर्य नहीं कि उतना समय दे पाए। और इसीलिए आप मतलब तो आपकी मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि मतलब हमारी युवा पीढ़ी जो है लंबे उपन्यास या लंबी कहानियां नहीं पढ़ना पसंद करती, और आपने ये लघु उपन्यास लिखा? मतलब ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं या मेरे भी दोस्त हैं जो लंबी कहानियां, लंबे उपन्यास, लंबी फिल्में देखना पसंद करते हैं आज भी। वो अलग है, अपवाद एक है, एक्सेप्शंस डोंट मेक रूल। वो लोग ओके एक्सेप्शन यस है। और मैं अच्छा चूंकि इन युवा लोगों के बीच रहा हूँ एक शिक्षक के नाते, लगभग 39 40 वर्ष तक मैं उनके बीच में रहा हूँ, उनकी भावनाओं को मैं जानता हूँ। आजकल की बात यह है कि देखिए, आजकल का युवा जो है बहुत व्यस्त है। बिल्कुल व्यस्तता सब हम सभी जानते हैं, उसको समय नहीं मिलता है, इसलिए वो बहुत मोटे मोटे उपन्यासों पर न जाकर। तो मैंने ऐसे उपन्यास की एक जो मान्यता है, एक परिभाषा है कि इतने शब्दों का होना चाहिए, जी इतने वर्ड्स होने चाहिए, 50 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे उपन्यास दीजिए कि उस कहानी को जब वो पढ़े उसमें फ्लो रहना चाहिए, कि जो भी पाठक है वो आपके पात्रों से जुड़ जाए, तब आपके आप जो लेखक की यही सफलता होती है कि जो पढ़ने वाला पाठक वो उसके पात्रों के साथ जीने लगे, हाँ बिल्कुल तब उस धन्यवाद। कहानी की सार्थकता सामने आती है। और यही सोच के मैंने ये करीब 30,000 शब्दों का ये उपन्यास हाँ, और इसके है। पात्र भी और इसकी घटनाएं भी जो आपने इस किताब में, जो भी आपने प्रसंगों का जिक्र किया है, ये काफी तेजी से भागते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं लगता, मतलब इसे पढ़ने के दौरान बोरियत नहीं होती, और आप इसकी भाषा भी बहुत सरल है, तो आप एक सिटिंग में बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। आपने सही कहा कि जैसे युवाओं के पास समय नहीं है, और या जो पसंद नहीं करते लंबे उपन्यासों को पढ़ने के लिए, उनके लिए लघु उपन्यास उन्हें पढ़नी चाहिए। और इसमें सर आपने बोलचाल की भाषा का, बोलचाल की भाषा जो हमारे मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के तरफ ज्यादातर ऐसे बोले जाते हैं शब्द, जैसे जैसे प्रभाव, तो आपने यहाँ पर भाव लिखा है, शिक्षा, शिक्षा, तो ये आंचलिक शब्दों को लिखना लिखने के पीछे आपका आपकी क्या मानसिकता रही, मतलब क्या आपका मकसद क्या मानसिकता था? ये है कि जो धरातल पर है उसको, उसके बारे में लोगों को ज्ञान हो जिस जगह के। अब हमको उसी भाषा से बता देना है कि कहाँ कहाँ की कहानी है। जी अगर उसके डायलॉग को हम शुद्ध हिंदी में लिखें, एक ठेले वाला या एक अनपढ़ गवार वो शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकता है, वो अपनी हाँ भाषा बिल्कुल बोलता है, जहां पर वो रहता है वहां की भाषा बोलता है। तो कुछ दोनों की खिचड़ी है, कुछ जगह शुद्ध है कुछ। अब यहाँ जो भोजपुरी अंचल की बात है, भोजपुरी अंचल में श, तालब श का
कोई सब वहां पर होता उसकी डिक्शनरी में नहीं है, वैसे जी। तो भोजपुरी की कोई डिक्शनरी नहीं है, कोई व्याकरण नहीं है, लेकिन श नहीं है, जो भी है सब जयंती सा। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे ही प्रबंध है तो वो प्रबंध नहीं बोलता है, प्रबंध बोलता है। ये तो वो भाषा हमने दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वो भाषा नहीं जानता वो नहीं समझेगा, वो समझ जाता है। बिल्कुल। और मतलब तो आपको फिर ऐसा लगता है कि जैसे हम जब कोई कहानी या जब कोई हम कहानी या उपन्यास लिख रहे हैं और किसी एक पृष्ठभूमि पे लिख रहे हैं, किसी ग्रामीण परिदृश्य पे लिख रहे हैं या किसी अंचल विशेष पे लिख रहे हैं, तो अगर हम आंचलिक शब्दों का प्रयोग ज्यादा करें तो वो ज्यादा पाठकों तक पहुंच बना पाती है, ज्यादा पाठक उससे अपने आप को जोड़ पाते हैं, ऐसा आपका मानना है? ये इसका बहुत कोई प्रमाण है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि आपको बताना होगा कि कहाँ की कहानी है। और कहानियों में सबसे बड़ी चीज है कि जो भी घटना आप देते हैं, बहुत छोटी सी चीज के द्वारा आपको बता देना है कि वो कौन सा युग है। हाँ, बिल्कुल। आप यदि इस उपन्यास को पढ़िएगा तो देखिएगा हाँ, बहुत छोटी छोटी चीजों से बताया गया है कि कौन सा युग है। अब आजादी के पूर्व का जो छोटे छोटी सी एक घटना में वो सुराजी जो आते हैं प्रभात फेरी गाते हुए, उस समय का दिया है, उसमें दिया कि फुटपाथ पर फोटो खींचा हुआ रखा हुआ था, तो उस वक्त फुटपाथ पर फोटो खींचे जाते थे, वो जमाना था। जैसे जैसे उस किताब पढ़िएगा तो उसमें कहीं ना कहीं छोटी सी चीज से इंडिकेट कर दिया गया है कि ये किस युग, कौन सा दशक, कौन दशक की बात है। उस दशक से मैंने शुरू किया है, आजादी के पहले, 1940 जी, के पहले की बात से, और आज आज 1900 आज 21 तक ले आया हूं मैं उसे। हाँ बिल्कुल, मैं क्योंकि उस आपने इसमें कोरोना का भी जिक्र किया है, तो ये आप उस दौर से लेकर आपने वो जो 4 पीढ़ी की कहानी लिखी है वो आजादी के पहले से लेकर अभी 2021 तक के पूरे एक जो एक समय अंतराल है उसके बारे में लिखा है। बिल्कुल, वो तो इस असल किताब है को ये। लिखने। हाँ 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 सर बोलिए। बोलिए। नहीं, आप बोलिए। वो देखिए, उसे पिछड़े वर्ग के उन लोगों के साथ मैं रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में पिछड़े वर्ग के बहुत लोग रहते थे और उनको बहुत नजदीक से मैंने देखा है। तो उस समय की बात है जब उस वक्त लोग पढ़ाई जो है उसको एक बहुत दुरूह चीज समझते थे, सोचते थे कि ये हमारे बस का नहीं है, चलो मेहनत मजदूरी कर लो, दुकानदारी कर लो, ये कौन जहन्नुम लेने जाए पढ़ने का। वो जमाना था। उस जमाने में एक ऐसा भी आदमी हुआ जिसने सोचा कि नहीं, ये हम जो हमारे जो हम लोग जो हैं, हमारे तबके के जो लोग हैं, उनकी सोच को बदलना होगा और बाई एग्जाम्पल बदलना होगा। उसने पहले बिल्कुल। अपने परिवार में अलख जगाया, उसने ये जड़ पकड़ लिया था कि हमारी जो दुर्दशा है, हमारी जो गरीबी है, ये किस कारण है। असाक्षरता उसने पकड़ा कि ये साक्षर जब होंगे हम, तभी हमारा उत्थान होगा, तभी हम इस नरकीय जीवन से निकलकर ऊपर आएंगे। और वो अलख उसने जगाना शुरू किया अपने बच्चे पर, लेकिन वो फेल कर गया वहां, लेकिन उसका लड़का जो है वो आगे बढ़ाता है। ये कहानी और में ना अंत सबसे अच्छी बात ये है कि जो जैसे जैसे पीढ़ी बदलती है वैसे वैसे वो उनका विकास होता जाता है, वो शैक्षिक स्तर पर हो या आर्थिक स्तर पर हो, वो एक एक स्तर ऊपर जाते जाते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे जैसे आपने इस कहानी में जो पात्र रखे हैं, जो 4 पीढ़ियों की कहानी है, तो ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई व्यक्तिगत आप ऐसे किसी से मिले हैं या ऐसे लोगों से आपने जाना है कुछ,
तभी ये कहानी के प्रसंग बने। देखिए, कोई भी कहानी लिखी जाती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ बैकग्राउंड सच्चाई का होता है, रूप बिल्कुल बदल कर आता है कहानी, कहानी में रूप बदल कर वो बात आती है, लेकिन उसके उसको वो बात के लिए कहीं ना कहीं आता है। और कभी ना कभी होता क्या है, देखिए मनुष्य का में जो हमारी जो चेतना है जी वो चीजों को देखती है, सुनती है, समझती है, जो आप बीती उसकी है वो, ये सभी कुछ तो उसके अवचेतन मन में और कुछ अचेतन मन में चले जाते हैं। बिल्कुल और ये समय समय पर अवचेतन मन तो के अंदर जो संग्रहित है बातें वो समय समय पर आती रहती है, लेकिन अचेतन मन में जो रहता है वो तब आता है जब उसी तरह की कोई घटना, कोई बात उससे मिलती जुलती कोई बात सामने आए तो वो उसको याद आता है। और यदि ये लेखक के दिमाग में जब ये बातें आती हैं जी तो फिर कविता और कहानी का जन्म होता है। बिल्कुल तो ये जो मैंने लिखा है, जो स्टार्ट किया इसको, जी उसमें से एक एक जो पात्र है वो दर्जी जो है हाँ जी वो समझ लीजिए कि एक उसके जीवन को हमने देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। मैं उसको कपड़ा देने जाता था सीने के लिए, मेरा वस्त्र वो सीता था तो सिलाई करता था, देता था हमको। उसके जीवन को हमने देखा था, बहुत करीब से देखा था। तो बातें ऐसे ही मेरे अचेतन मन के अंधे तमस में पड़ी हुई थी, अचानक एक घटना हमने देखा तो वो बातें हमको याद आ गई और फिर मैंने कलम उठा लिया और ये कहानी खुदी से गुजरी तक आ गया। हाँ, और इस कहानी का जो आपने अंत रखा है वो सुखांत है, मतलब बहुत सकारात्मक है और कहानी बहुत प्रेरणादायी है, क्योंकि जब ये किताब पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक प्रेरणा आती है कि जब उस परिवेश से, उस आर्थिक स्थिति से आगे निकलकर लोग अपनी पीढ़ियों को सुधार सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, हमें भी ऐसा करना है। तो ये आप ऐसा कोई मतलब कोई मैसेज देना चाहते थे, या इसीलिए आपने इस कहानी का अंत इतना सुखांत रखा, या वो मैसेज मैं देना चाहता था, इसीलिए उसका सुखांत किया। अगर दुखांत होता तो शायद उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेखक कोई भी होता है उसके उसका भी एक उद्देश्य होता है। ये हमारी पुरानी कहावत है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो जो भी लिखिए आपके उस समय का दर्पण होना चाहिए, लोग उसको देखे तो समझे कि वो काल क्या था। और खास करके मैं पीछे अपने बीते हुए दिनों को इसलिए सामने लाता हूँ कि आजकल के बच्चे जाने कि उन समय में जीवन कैसा था। और मेरी हर कहानियों में दो चार कहानी ऐसी जरूर मिलेगी जो उन युगों का पीछे जो बीत गया, 50 का दशक, 60 का दशक, 70 का दशक, क्या जीवन था वो लाया। मैंने मेरे इसकी जो किताब है मेरे यक्ष प्रश्न, उसमें भी मैंने दिया है, उसमें 4-5 कहानियां हैं यक्ष प्रश्न में, और उसमें भी पुराने समय का दर्शन कराया है मैंने पाठकों को। सर, मैं आपसे एक और चीज ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आप युवाओं के बहुत संपर्क में भी रहे, आप शिक्षक रह चुके हैं, प्राध्यापक रह चुके हैं, तो युवाओं की कितनी रुचि है हिंदी साहित्य के प्रति, या आजकल आप कैसे देख रहे हैं कि लोग हिंदी किताबों के प्रति कितना रुझान है, या आप कैसा भविष्य देख रहे हैं, या कोई आपके लिए क्योंकि कोई हिंदी आप का कोई भविष्य, संदेश देना चाहते हैं हमारे मंच के हाँ माध्यम से?
हिंदी का भविष्य उज्जवल है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। इसलिए कि आज का युवक, यद्यपि कि अधिकांश अंग्रेजी में ही बात करते हैं, पढ़े लिखे जितने युवा हैं वो अंग्रेजी में ही बात करते हैं, लेकिन उनको इस बात का भान है कि हिंदी हमारी 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 राष्ट्रभाषा है। इस बात का उनको ध्यान है और उनको गुमान भी है इस बात का। मैंने देखा, बहुत नजदीक से देखा है, वो हिंदी फिल्में देखने जाते हैं, अंग्रेजी फिल्में भी देखते हैं लेकिन हिंदी फिल्में ज्यादा देखते हैं, कहानियां पढ़ते हैं। लेकिन वही बात है जो मैंने इस किताब में लिखी है कि मोटी मोटी कहानियों उनको नहीं चाहिए। जा रहे हैं कहीं, वो सफर करने जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, उसमें वो निकाले पढ़े। और अब मोटी किताब दे दीजिए किसी को तो उसको पढ़ने में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगेगा, इतना समय वो नहीं दे पाते हैं। हिंदी का भविष्य उज्जवल है और जिस तरह के कार्य हो रहे हैं, जैसे आपकी संस्था है बुक नर्ड्स हिंदी, आप लोग जो कर रहे हैं, इससे युवा और हिंदी के नजदीक आएंगे और ये हिंदी का साहित्य और प्रखर होगा। ऐसी और संस्थाएं होनी चाहिए, पब्लिकेशन की भी बात होनी चाहिए कि लेखक ऐसे हों कि जिन जिनकी रचनाएं आसानी से प्रकाशित हो सके। हाँ, ये जरूर है कि प्रकाशन को होने के लायक होना चाहिए, तो संस्थाएं ऐसा करें कि उनकी रचनाओं को, जो स्टार्टअप है उनकी रचनाओं को पढ़ें। या बहुत ऐसे भी आपको हमने देखा है, बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन जी सोच कर कि हमारी हमारी कहानी तो कहीं छपेगी नहीं, वो उनके कॉपी में ही पड़ा रह जाता है। बिल्कुल जी, मैं सहमत हूँ। तो सर, आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, किस तरह, मतलब आपकी पसंदीदा किताबें और पसंदीदा लेखक के बारे में? हमारे तो पसंदीदा लेखक, अब तो मैं जिस जमाने को हूँ उसी जमाने की बात मैं करूँगा। बिल्कुल वैसे प्रेमचंद, बंकिम चंद, शरद चंद, इन लोगों की कहानियाँ तो और उपन्यास मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाद के समय में मन्मथ नाथ गुप्त और मनु भंडारी की भी किताबें हमें अच्छी लगी। निराली पांडे को भी मैं पढ़ता हूँ क्योंकि वो जिस परिवेश की बात कर दिखती है अपनी किताबों में, मैं वहाँ बहुत जाता हूँ। वो उत्तरांचल की रहने वाली है और वहाँ उनकी कहानियों में वो आता है। उनकी माँ भी लिखती, बहुत बड़ी लेखिका थी, तो वो उत्तरांचल को मैंने बहुत करीब से देखा है, खास करके कुमाऊँ रीजन जो है उसका चप्पा चप्पा हमने छान लिया है। तो जब वहां की कहानी आती है उनकी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत लगता है कि मैं वहां पहुंच गया जहाँ की कहानी वो दिख रही है। वैसे मैं उनको पसंद करता हूँ। और कविता के जहाँ कविता की जहाँ तक बात उठती है तो मैं गोपाल सिंह नेपाली और दिनकर जी, इन दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ। ऑफ कोर्स निराला भी थे लेकिन बहुत जो क्लिष्ट भाषा होती है जो उसके पाठक बहुत कम है, यही कारण है कि अग्रेय जैसा लेखक उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जनमानस में। यहाँ तक ये मेरा अपना विचार है, इतनी इतनी अच्छी बातें वो लिखते थे लेकिन बड़ी क्लिष्ट होती थी। हमने उनको भी पढ़ाया है, बहुत चाव से पढ़ाया है। इसीलिए आपकी कोशिश है कि जो आपने ये उपन्यास लिखा है इसमें आपकी भाषा बहुत सरल और सहज है, कि मतलब आसानी से कोई भी हिंदी पाठक या फिर कोई
नई शुरुआत भी कर रहा है हिंदी में, तो वो इस किताब को बहुत आसानी से पढ़ सकता है। सकते हैं क्योंकि जी। हाँ सर हमारे पास समय बहुत कम सीमित है, इसीलिए अब मैं विदा लेना चाहूंगी। तो आप हम युवाओं के लिए, जो युवा पाठक वर्ग है, उसके लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश यही है कि भाई हिंदी को आप आगे बढ़ाइए, हिंदी में रुचि लीजिए, पढ़िए लिखिए भी कोशिश कीजिए, लेकिन बिल्कुल हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित कीजिए। मैं सहमत हूँ सर। तो जो भी बुक नट्स के पाठक हम जिन्होंने ये लाइव सेशन देखा या जो बाद में देखेंगे, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो किताब है खुदी से गुदड़ी तक, ये बहुत ही सरल सहज भाषा में लिखी हुई है। और आप ये इस किताब को 164 पन्ने की ये किताब, 164 या 170 पन्ने की ये किताब है, और आसानी से आप एक सिटिंग में इसे पढ़ सकते हैं। इसकी भाषा इतनी सरल है। अगर आप शुरुआती में कोई सकारात्मक किताब या जो आपके अंदर एक सकारात्मक विचार आपके अंदर अगर आप चाहते हैं, उस तरीके के विचार धारा की किताबें पढ़ना जो जो आप एक सकारात्मक प्रभाव डाले, तो ये किताब आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये किताब 4 पीढ़ियों की कहानी है और उनके किस तरह से वो आर्थिक और शैक्षणिक अपने परिवार में किस तरीके से वो विकास करते, उसकी एक पूरी पूरा सफरनामा है जो सर ने बहुत ही बेहतर तरीके से लिखा है। और इस किताब को पढ़िए और इसका फीडबैक भी आप दे सकते हैं, अमेजन पे रिव्यू भी कर सकते हैं। और शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।